हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ इंफोमैस कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल टू वर्कशीट सेट थ्योरी। लेवल वन में अबाउट 60 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन थे, कुछ सिंपल भी थे। लेवल वन करने के बाद लेवल टू में आना। आप लेवल टू अगेन थोड़ी सी बेटर है, यहाँ क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन 20 मिलेंगे। आज मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ, ये बता दूँगा लेवल टू में क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। पहले लेवल वन, देन लेवल टू, देन लेवल थ्री, तीन लेवल्स में हमने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब फ्रॉम 1998 जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, मैक्सिमम अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, NIT, JU, DU, BHU, पंजाब यूनिवर्सिटी, देन सारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। ओके, सो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको फाइनल प्रैक्टिस मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ओके, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन यही है जो यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, तो कोई कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता ही है। ओके, तो रिपीट होते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा। नंबर टू, टाइप्स सेम रहती हैं। ओके, तो टाइप भी सेम रहती हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो इनको करना बड़ा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमेशा ही करना जरूरी होता है। सो स्टार्ट करते हैं लेवल टू। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डेट्स क्या है, वो बिल्कुल वैसी क्वेश्चन जो लेवल वन में था, वैसे ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया NIT वालों ने। मैंने कहा था ना टाइप सेम रहती है। सेम क्वेश्चन में लास्ट टाइम किया था लेवल वन में, वहाँ पर बोला गया था ए दिया है, बी दिया है, देन दिस फाइंड करो। यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी हमें दे दिया, अब कहता है कि NX फाइंड करो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, X क्या है, यूनिवर्सल सेट है, AOB दो सेट्स है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है, देन दिस ये भी दिया हुआ है, देन हमें X चाहिए, नंबर एलिमेंट्स X मीन्स यूनिवर्सल सेट चाहिए। सो लेवल वन में मैंने आपको बताया था कि ये है क्या एक्चुअल, ये जो कम्प्लीमेंट है वो क्या है, आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम आनी चाहिए। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये अगर आपको पता है तो फिर आपको अपना टारगेट पता है, आपको क्या है ये क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए नंबर एलिमेंट्स ऑफ दिस। ओके, ये क्या है फिर, नंबर एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर एलिमेंट्स ऑफ यूनियन, बस ये बात है मेन। अब आपको ये पता है यूनियन भी निकाल सकते हो आप, बिकॉज यूनियन का फॉर्मूला क्या है, NA NB माइनस कॉमन, बस सबको पुट कर दो। अब ये क्या है, ये हमें गिवन है 300, दिस इज 300 है ना, ये 300 गिवन है, NX हमें चाहिए, और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, NA NB माइनस कॉमन। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यूज डाल सकते हो, मैं लिख रहा हूँ बट आप सीधा वैल्यू डाल दो। तो क्या वैल्यू है NA की, 200 300 200 300 एंड 100, कॉमन क्या 100 है, मींस ये हमारे पास है, ये आपका 300 है, इधर ये 500 हो गया, 400 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका 400 हो गया, 400 उधर जाकर 400 माइनस वहां जाके प्लस हो गया, तो ये 700 हो गया, कितना हो गया 700। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपका NX क्या हो गया 700। सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप थी, क्वेश्चन सेम नहीं था, टाइप सेम थी, तभी मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन सेम आएंगे और टाइप सेम आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है, NIT में आ चुका है, DU में आ चुका हुआ है, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन को आराम से कर लेना पहले, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। ओके, वन बाय वन क्वेश्चन को ट्राई करना है। मैंने आपको पहले कहा था कि 20 क्वेश्चन, 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 30 मिनट्स का टाइमर में 20, पहले फर्स्ट आवर के टाइमर में 30 मिनट्स के टाइमर में 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 मिनट के टाइमर में 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 मिनट्स के टाइमर में 30 क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो आपके पास है, इसका टाइमर लगाओ 30 मिनट्स का। ओके, जब क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, तब आप इस लेक्चर को सुनो, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर्स। हर स्टूडेंट ने 5 पेपर रीड किए, एंड एवरी पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने पेपर पढ़ा, पेपर स्टूडेंट से पढ़ा गया, जैसे आपको याद है इंग्लिश में हम क्या बोलते थे, एक्टिव पैसिव वॉइस। ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, पहले स्टूडेंट कहता है कि स्टूडेंट ने पेपर पढ़ा, उसको उसने पैसिव वॉइस में बोला कि स्टूडेंट ने पेपर पढ़ा, देन पेपर स्टूडेंट से पढ़ा गया। अल्टीमेटली इन अ कॉलेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ पेपर तो सेम ही रहेंगे ना, स्टूडेंट पेपर पढ़े या पेपर स्टूडेंट से पढ़ा जाए, अल्टीमेटली नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स
इन अ कॉलेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, इनका इनका जो रेशो कह दो या इनका मल्टीपल कह दो, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो आपका सेम ही रहेगा। तो इन द फर्स्ट केस 300 स्टूडेंट्स थे, हर स्टूडेंट ने 5-5 पेपर रीड किया, तो इनटू 5 ये पहला हमारे पास आ गया स्टूडेंट पेपर, स्टूडेंट पेपर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मीन्स की एक्टिव केस। इसका पैसिव केस क्या है, एवरी न्यूज पेपर इज रेड बाई 60 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट 60 हो गए, लेट न्यूज पेपर बी एक्स, लेट नंबर न्यूज पेपर क्या है एक्स। ओके पेपर स्टूडेंट्स पेपर, सॉरी स्टूडेंट पेपर स्टूडेंट पेपर। पहले केस में उसने बोला 300 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट रीड 5 पेपर। नेक्स्ट में बोला कि 60 स्टूडेंट, एवरी पेपर इज रेड बाई 60 स्टूडेंट, लाइक ये हमारे पास वर्डिंग हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था, सेम स्टेटमेंट थी, उसको दो वे से बोला गया, स्टूडेंट इनटू पेपर, स्टूडेंट इनटू पेपर, आपने इससे x की वैल्यू आ गई 25। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज 1, 2, 3, 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर एलिमेंट्स कितने होंगे, कार्डिनल नंबर मीन नंबर एलिमेंट्स ऑफ किस में, रिलेशन में। रिलेशन कौन सा है इस पर, इस पर रिलेशन है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी किस में है, ऑन ए, ऑन ए, ऑन ए मीन्स फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन जो है ए टू ए है, मीन्स कि इसकी डोमेन भी ए है और कोर डोमेन भी ए है, ए डोमेन भी ए है, रेंज भी ए है, ए टू ए जाना आपको। कैसे देखना, ए डिवाइड्स बी, पेयर्स कौन से होंगे, ए डिवाइड्स बी, देखो कौन से पेयर्स बनते हैं ए डिवाइड्स बी। तो सेट ए आपको दिया हुआ 1, 2, 3, 4, सेट ए हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4। रिलेशन कहाँ से कहा है, फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, सॉरी ए टू ए, ऑन ए मीन्स फ्रॉम ए टू ए। सो रिलेशन क्या है, ए डिवाइड्स बी, तो 1, अब रिलेशन बनाओ, 1 डिवाइड 1, यस, 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 4। 1 तो हर एलिमेंट को, हर नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 के लिए तो चारों पॉसिबिलिटी आ गई। नाउ 2 के लिए क्या होगी, 2 डिवाइड 2, यस, आइडेंटिकल तो हमेशा ही होगा। 2 डिवाइड 4, एक ये पेयर होगा 2 वाला, 2 के 2 पेयर होंगे। 3 का कौन सा पेयर होगा, 3 डिवाइड 3, देन कोई और पेयर नहीं होगा, है ना। 4 का कौन सा पेयर होगा, 4 डिवाइड 4, कोई और पेयर नहीं होगा। तो कितने पेयर्स बने, ये आपके ए डिवाइड बी के पेयर्स कितने बने, 4 + 2 = 6 + 2, टोटल 8 पेयर्स बन गए। सो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर एलिमेंट्स ऑफ आर क्या है, नंबर एलिमेंट्स ऑफ आर जो है वो 8 है, तो आंसर इज 8। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या वो कह रहा है, कार्डिनलिटी का मीनिंग क्या होता है हर बच्चे को पता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, और ए डिवाइड बी का मीनिंग आपको पता है, वो आपने देख लिया। ओके सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 तो वही हमारा रिजल्ट है जो मैंने लेवल 1 में कराया था, पहले आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लेवल 1 में किया था। आपको मैंने फार्मूला दिया था कि व्हेन ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स कॉमन, व्हेन ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स कॉमन, देन ए क्रॉस बी, B क्रॉस A हैव n स्क्वेयर एलिमेंट्स कॉमन। क्या रिजल्ट है हमारे पास, व्हेन A एंड B हैव n एलिमेंट्स कॉमन, व्हेन A एंड B हैव n एलिमेंट्स कॉमन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या वो, ये आपका क्वेश्चन है देख सकते हो आप। तो इसमें A और B के मुझे कॉमन एलिमेंट्स दे रहा है, 99 एलिमेंट्स कॉमन है, तो A क्रॉस B, B क्रॉस A के कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ओके बिल्कुल सेम वो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको लेवल 1 में, इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स कॉमन, इट मीन्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वेयर एलिमेंट्स कॉमन। वेरी सिंपल, यहाँ पर ए और बी के कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 99। सो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के कितने कॉमन होंगे, 99 का ये फार्मूला देख लिया आपने, ये फार्मूला आपने लगाया, ए और बी के आपके 99 एलिमेंट्स कॉमन है, सो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के 99 स्क्वायर, तो आंसर इज दैट स्क्वायर, 99 स्क्वायर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल हो गया, क्लियर। ओके सो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी थ्री सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी, देन ए ओ ए बी सी चॉइसिस में क्या पूछा, ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी, तीन इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा।
देखो वैसे तो सिंपल सी बात है, अगर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन सी है और यूनियन भी सेम है, ए ओ बी का इंटरसेक्शन भी सेम है, ए ओ ए बी सी का यूनियन भी सेम है, तो मैं यहाँ सीधा बोलूँगा कि यहाँ अगर चॉइसी भी देखना चाहो तो बी इज इक्वल टू सी। क्यों? जब बी इज इक्वल सी होगा फिर तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जब बी को मैं सी कर दूंगा डेफिनेटली, देखो इधर अगर सी को बी कर दोगे तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, बिकॉज सी को बी कर दिया आपने, आपने सी को बी कर दिया तो डेफिनेटली फिर तो क्वेश्चन ही, फिर तो कुछ क्वेश्चन बना ही नहीं। और इसको भी बी कर दोगे आप, अगर इसको भी बी कर दोगे इधर भी, तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके पास, अगर इसको बी कर दिया, अगर इसको बी कर दिया तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी रह गया, और सिमिलरली यहाँ पर भी सी को बी कर दिया, यहाँ पर भी सी को बी कर दिया, अगेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी रह गया। मीन्स कि बी इक्वल टू सी कर दोगे इन डैट केस आपका क्वेश्चन ही सेम, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, दिखा जाए क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? जब आपने बी को सी कर दिया तो ये आपका इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी हो गया, ये भी ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी हो गया, बिकॉज आपने सी को बी कर दिया, सी को बी कर दिया, तो उस केस में तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ओके, तो ये आपका बड़ा 0 लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा उस केस में ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, इन अ सिटी 60% रीड पेपर ए, 40% रीड पेपर बी, 30% सी, 20% ए एंड बी, दो दो दिए हुए हैं कॉमन, 30% ए एंड सी, 10% बी एंड सी, 15% ए बी सी, लाइक दैट। हमें पूछा गया नंबर, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, बी इंटरसेक्शन सी दिया है, ए इंटरसेक्शन सी दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी दिया है। ओके, काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया द परसेंटेज ऑफ पीपल, ओके क्या क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डोंट रीड एनी ऑफ दीज थ्री पेपर्स। देखो पहली बात तो इसमें क्या है, अगर इसको करना चाहते अगर आप तो वेन डायग्राम से करते, आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, आपको दो दो का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तीन तीन का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, वो क्या पूछा, डोंट रीड एनी ऑफ द पेपर, मीन्स आपको दिस रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है, ये आपसे रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है। ओके, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हम इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में जो तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ 15 दिया हुआ है, और जो बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। आपने इस क्वेश्चन में देखा कि नहीं देखा, अभी आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो दिया हुआ है हमें 15% रीड पेपर ए बी सी, तीनों का जो कॉमन है वो 15 दिया हुआ है, ओके, और दो का कॉमन है बी एंड सी वो 10 दिया हुआ है, तो ये क्या पॉसिबल है, दो का कॉमन 10। हर बच्चे को पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज अ पार्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका जो है तो तीनों का कॉमन होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एलिमेंट इससे कम होते हैं, इसके एलिमेंट जो है जो तीनों के कॉमन के एलिमेंट्स है वो आपके उससे कम होते हैं, तो बट वो क्या कह रहा है कि उसके एलिमेंट ज़्यादा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये एलिमेंट क्या होते हैं कम होने चाहिए, पर वो उल्टा कह रहा है ये एलिमेंट ज़्यादा है, ये क्या एलिमेंट कम है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है, इसमें मतलब जो डाटा है वो करेक्ट नहीं दिया जा रहा, डाटा करेक्ट नहीं है, बिकॉज तीन का कॉमन दो के कॉमन का पार्ट होता है। ओके, तो तीन का कॉमन ज़्यादा दो का कॉमन कम, ये कैसे पॉसिबल है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग मीन्स कि डाटा इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर डी चॉइस बाई चांस नन ऑफ दिस दिया हुआ था, आप इसको नन ऑफ दिस मार्क कर सकते हो, डाटा इज इनकरेक्ट। ओके, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो के आई आई टी में, ये क्वेश्चन एन आई टी में भी आ चुका हुआ है, के आई आई टी में भी आया है, एन आई टी में भी आया है, मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बार बार रिपीट होते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, सेट ए दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 2, सेट बी दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 3, सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 200, सेट बी के एलिमेंट्स दिए हैं 250, देन पूछ रहा है कॉमन क्या होगा, जो एनआईटी में क्वेश्चन था निम सेट में वहाँ कॉमन भी था यूनियन भी था, जो हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन भी हमने असाइनमेंट में डाला हुआ है, कॉमन भी है यूनियन भी है, यहाँ ओनली कॉमन पूछा जा रहा है, चलो अच्छी बात है, एक चीज़ पूछी जा रही है।
सो पहली बात तो ये है कि ए जो है 2 का टेबल है, बी जो है 3 का टेबल है, ए में 200 एलिमेंट्स है, बी में 250 एलिमेंट्स है। अगर मैं कंप्लीट ए बनाना चाहूँ तो कंप्लीट ए क्या बनेगा? सो कंप्लीट ए, ए जो 2 का टेबल है, 2, 4, 6, उसमें 200 एलिमेंट्स है। सो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 2 का टेबल है तो लास्ट एलिमेंट होगा इसमें 400, बिकॉज नंबर एलिमेंट्स ए 200 है, तो इसमें 200 एलिमेंट्स हो गए, स्टार्ट फ्रॉम 2 अप टू 400। नाउ बी, बी हैज 250 एलिमेंट्स, 3 का टेबल है, स्टार्ट फ्रॉम 3, 3, 6, 9 अप टू 3 × 250, दिस है लास्ट एलिमेंट इज 750। तो ए हैज 200 एलिमेंट्स, बी हैज 250 एलिमेंट्स, सो दिस इज अ टेबल ऑफ 2, दिस इज अ टेबल ऑफ 3, सो दिस हैज लास्ट एलिमेंट इज 400, इसका लास्ट एलिमेंट 750। मुझे कॉमन चाहिए, तो कॉमन डेफिनेटली 2 और 3 का टेबल में कॉमन क्या होता है? 6 का टेबल, दोनों का एलसीएम 6 का टेबल, क्या होगा? 6, 12, 18, तो कॉमन चाहिए, तो नेचुरली जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 400। नेचुरली दोनों का कॉमन क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 400। 6 के टेबल में 400 से कम क्या होता है? थोड़ा सा, अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी ठीक है तो आपको पता है 396 होता है। 396 जो है 400 से कम है, 6 का टेबल है। अब इसके आगे पेन चलाओ, 396 देखो कौन सा एलिमेंट बनेगा, 6 के टेबल में कौन सा एलिमेंट बनेगा, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है? 396/6 कर दो, 396/6 कर दो, आपको एलिमेंट अपने आप दिख जाएगा। ये एलिमेंट कितना हो गया? ये हो गया 66, दिस 66 हो गया, 66th एलिमेंट हुआ लास्ट वन। ये एलिमेंट कौन सा हुआ? 66th एलिमेंट हुआ। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 66। तो आंसर सीधा 66 आ गया, आंसर इज इंटरसेक्शन 66। ओके, बी चॉइस। ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अगर यूनियन पूछा होता हमसे, जो एनआईटी वालों ने यूनियन भी पूछा था, तो वहां पर कुछ नहीं, कॉमन आ गया, ए पता है, बी पता है, कॉमन पता है, तो यूनियन का फॉर्मूला लगा दो। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? डैड प्लस डैड माइनस कॉमन, तो यूनियन भी आ जाएगा। ओके, 200 प्लस 250 माइनस 66, तो यूनियन भी आ जाएगा। ओके, कोई यूनियन पूछे तो, वो एनआईटी वालों ने पूछा। सो ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो स्टूडेंट्स, 7th में कोई प्रॉब्लम है? वैसे तो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो क्वेश्चन जो आपसे मिस भी हो जाए दोबारा से आप देख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। लेट आर एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं आपको, कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या होता है रिजल्ट हमारा, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो यूनियन नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो यूनियन नीड नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो ओनली बी इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, ए इज नॉट ट्रू, तो ओनली बी, तो बी मीन्स यस, ओनली बी इज ट्रू। ओके, सो ये बोथ ट्रू है? नहीं है। नाइदर ट्रू है? नहीं है। ओनली बी इज ट्रू, तो आंसर इज बी। ओके, सिंपल, जिसने किया हुआ है, रिजल्ट है, यूनियन इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंस। यूनियन कहाँ फेल होता है? ट्रांजिटिव में फेल होता है, वो आप हम क्लासेज में बोल चुके हैं आपको, यूनियन ट्रांजिटिव में फेल होता है, पर इंटरसेक्शन और टू इक्विवेलेंस इज ऑलवेज इक्विवेलेंस। ओके, ये हमें पता है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, चलो उसको हम कर लेते हैं आराम से। उसमें थोड़ा सा यहाँ पर साइन नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ये साइन जो है, ये जो क्रॉस सा लगा हुआ है, ये साइन जो है वो है लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन है वो क्या सा है? लेस देन इक्वल टू। ओके, ये साइन है लेस देन इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9, लेस देन इक्वल टू, वो ये भी लेस देन इक्वल टू, ये भी लेस देन इक्वल टू, ये भी लेस देन इक्वल टू, तो साइन में कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपके एक्स लेस देन इक्वल टू 63, ये क्या एक्स लेस देन इक्वल टू 13, मे भी शायद ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लेते हैं, ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो, थोड़ी सी वैरायटी भी मिल जाएगी आपको, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ओके, ये क्यों, ये क्या है? ये लेस देन इक्वल टू है एक साइन, ये दोनों लेस देन इक्वल टू है, मीन्स की लाई बिटवीन 39 to 63, बस ये आपकी चॉइस ही बता दी मैंने आपको। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखना है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करोगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सर्वे शोज डैट 63% अमेरिकन लाइक चीज, 76% लाइक एप्पल्स, एक्स परसेंट लाइक बोथ, देन हमें देखना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पर होगी। सो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये अमेरिका मीन्स ये आपका अमेरिका है, अमेरिका। ओके, ये आपके दो उसके सबसेट्स है, लाइक चीज लाइक एप्पल्स, अमेरिकन लाइक चीज़, अमेरिकन लाइक एप्पल्स। ओके,
सो लाइक चीज कितने हैं? 63% लाइक चीज, 63% लाइक एप्पल्स, 76% हमें चाहिए लाइक बोथ. तो यहाँ पर एक गलती करता है स्टूडेंट, लाइक बोथ में क्या करता है, वो कहता है एनसी, वो कहता है एनसी प्लस एनए, एनसी प्लस एनए माइनस यूनियन का फार्मूला. तो अगर ऐसा करोगे तो एनसी आ गया 63, वो आ गया 76, यूनियन क्या बोलते हैं बच्चे कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो यूनियन 100 हो गया, तो इसका आंसर 39 आ गया. ये आंसर कई बुक्स में तो अब नहीं आ रहा, पहले पुरानी बुक्स में ये आंसर 39 भी होता था, अब जो अच्छी अच्छी बुक्स आ रही है वहाँ इसका आंसर अब 39 नहीं है. पर कई बच्चे कहते हैं सर देखा यूनियन 100 हो गया तो हमारा आंसर 39 हो गया, तो चॉइस चलो पता नहीं फर्स्ट चॉइस इक्वल 39 थी शायद, यहाँ पर मुझे यहाँ पता नहीं साइन क्या था, चलो जो भी थी तो 39 एक बच्चे, कुछ बच्चे आंसर 39 देते हैं, वो कहते हैं सर देखा हमारा आंसर आ गया, और बाई चांस अगर चॉइस 39 है तो बच्चे उसको मार्क कर जाते हैं. देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपनेस है, मैंने आपको पहले बोला कि जब चॉइसेस में इनइक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी, तो थोड़ा सोच लिया करो कि क्वेश्चन थोड़ा डीप हो सकता है. तो अब आपको कुछ ऐसी गलतियां जो हमेशा हम करते हैं करनी पड़ती हैं वो गलतियां हमें, पर यहाँ पर वो गलती ना करो. यूनियन हम हमेशा 100 मान लेते हैं, एक्चुअली क्या 100 मीन्स पूरा अमेरिका, क्या आपको यूनियन पूरा अमेरिका दिख रहा है? एक्चुअली यूनियन 100 नहीं है, यूनियन इज लेस देन इक्वल टू, जो यूनियन है वो लेस देन इक्वल टू 100 है. यूनियन जो है वो पूरा 100 मीन्स 100% पूरा अमेरिका 100 है. क्या पूरे अमेरिकन चीज वो एप्पल लाइक कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे अमेरिकन भी होंगे जो नाइदर चीज विच दोज अमेरिकन विच नाइदर लाइक चीज नो लाइक एप्पल्स, देयर मे बी सम अमेरिकन विच लाइक विच नाइदर लाइक चीज नो लाइक एप्पल्स, ऐसे भी तो अमेरिकन होंगे. तो आपने अगर यूनियन को 100 बोल दिया तो आपने ये बोल दिया कि पूरा अमेरिका चीज वो एप्पल लाइक कर रहा है, ऐसा तो नहीं ना. सो यूनियन लेस देन 100, तो मैंने जैसे पीछे बताया कि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस करते हो, आपने मैक्सिमम माइनस कर दी, जब मैक्सिमम माइनस कर दी अब जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है फिर? अब जब मैक्सिमम माइनस करते हो तो वैल्यू क्या आती है फिर? वो वैल्यू आती है मिनिमम. आपने यहाँ पर जो किया है वो मैक्सिमम, यहाँ पर ये क्या था 63 डाला, इसको 39 76 पुट किया, 76 और यूनियन आपने 100 लिया, या आपने मैक्सिमम माइनस कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम आ गई. दिस वैल्यू नाउ मिनिमम, तो क्या वैल्यू मिनिमम होगी? 39. दिस इज अ मिनिमम वैल्यू. ओके, दिस वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू. सो आपका जो इंटरसेक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 39 आ गया. तो आप स्टूडेंट्स कहोगे सर देखो फर्स्ट चॉइस आ गई, यहीं पर फिर बच्चा गलती करेगा, कहेगा फर्स्ट चॉइस आ गई. देखो फर्स्ट चॉइस तो आ गई, आप देखोगे जो थर्ड चॉइस है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल 39, लेस देन इक्वल 63. अगर थर्ड चॉइस आती है तो फर्स्ट से बेटर थर्ड आंसर होगा. फर्स्ट तो आ गई और अगर थर्ड आ जाती है तो फर्स्ट से बेटर थर्ड होगा. तो ये आपने आधा क्वेश्चन कर लिया. ये क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट था अच्छा पार्ट था कि आपको ये बताना था कि यूनियन की आपने वैल्यू 100 डाली है, बट दैट्स अ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस करूंगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी. ओके, ये पार्ट मेन पार्ट था. अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ. आपको पता है कि जो इंटरसेक्शन है दैट्स ऑलवेज सबसेट ऑफ सी, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सी, इंटरसेक्शन जो है दैट्स ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, दैट्स ऑलवेज सबसेट ऑफ सी. वो ए का भी सबसेट है, वो आपका सी का भी सबसेट है. सो इट मींस जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दैट्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सी, दैट्स आल्सो लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ ए. जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सी का भी पार्ट है, कॉमन जो है सी का भी पार्ट है, कॉमन ए का भी पार्ट है. जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सी से भी कम होंगे, वो ए से भी कम होंगे. तो बट सी के एलिमेंट्स कितने हैं? सी के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? आप सी के एलिमेंट देखो कितने हैं, उसके जो कॉमन एलिमेंट्स है सी का भी पार्ट है, ए का भी पार्ट. सो जो कॉमन है दैट्स अ पार्ट ऑफ ए, कॉमन जो है दैट्स पार्ट ऑफ सी. इट मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स है दैट शुड बी लेस इक्वल टू नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट्स आल्सो लेस इक्वल टू नंबर एलिमेंट्स ऑफ सी. ये जो कॉमन है वो लेस इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट्स आल्सो लेस इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सी. नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं? ए मींस 76 है. नंबर एलिमेंट्स बी कितने हैं? 63 है. कॉमन जो इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो किसको लें हम? छोटे वाले को लो. छोटे वाला कौन सा है? 63. जो 63 से कम होगा वो 76 से अपने आप कम होगा. तो ये आपका हो गया लेस इक्वल टू 63, यहाँ पर हो गया था ग्रेटर इक्वल 39, ये आपका नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया. फॉर वन एंड टू आपने क्या देखा? फॉर वन एंड टू, वन टू आपका जो कॉमन पार्ट है वो किसके बीच में आ गया? जो कॉमन पार्ट है दैट्स नाउ लाई बिटवीन, जो कॉमन पार्ट है दैट्स नाउ लाई बिटवीन 39 टू 63. तो ये था.
देखो ये पहली बार तो मुझे समझाने में टाइम लगा, अब फिर से क्वेश्चन आने वाला, थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन भी ऐसे आने वाला है, तो इसका शॉर्टकट ये है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि जो कॉमन होता है, हम स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं करने के बाद शॉर्टकट ये बोलते हैं, दिस ऑलवेज गिवन इक्वल टू क्या, एन सी पर एन ए, क्या होगा गिवन इक्वल टू क्या होगा, एन सी प्लस एन ए माइनस 100, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, दोनों में से जो मिनिमम होगा, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका छोटा, उसका छोटे वाला लेना है, दोनों में से मिनिमम लेना है, एन सी एन ए में से जो मिनिमम होगा वो आपने लेना है। तो ये आपको शॉर्टकट लगाना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके यहाँ पर क्या चीज लोगे, एन सी बाय एन ए माइनस 100, यहाँ पर क्या लोगे, दोनों में से छोटे वाला होगा, मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों लिया हमने, सेम क्वेश्चन अभी आने वाला है। ओके इस क्वेश्चन को टाइप लेके चलो, ऐसे क्वेश्चन कई आएंगे, दो बार देखो जेएनयू में आ चुका है, एनआईटी में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन और भी आगे आने वाला है। ओके तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, टाइप थी अच्छी, टाइप थी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो पता नहीं कितनी बार पेपर्स में आ चुका हुआ है, बच्चों को इसका आंसर भी याद हो जाता है, तो अभी भी 2019 में भी आया था, वहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई थी, पर क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल ठीक क्वेश्चन दिया, अदरवाइज कई बुक्स में इसकी मिस प्रिंटिंग भी हो रही है, आपके एनआईटी में जब एक बार दो दो तीन बार आ चुका हुआ है तो एक बार इसकी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, वो तो चलो बाद में उसके ग्रेस मार्क्स मिल गए थे हमें, अभी तो इतना समझो कि क्वेश्चन है क्या, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, लेवल टू लेवल थ्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बच्चों को याद होता है, क्या आंसर है 45, बट एक बार कर लो क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है समझने के लिए। P1 to P30 are 30 sets each with 5 elements. Q1 to Qn are n sets each with 3 elements. Their unions are same. Each element ऐसा कुछ। वो 30 sets है, सभी के 5-5 elements है। वो n sets है, सभी के 3-3 elements है। And their unions are equal to S. Okay? Okay. देखो union में क्या होता है? Repetition is not allowed. तो naturally union में repetition नहीं होती, तो उसमें आपका दोनों का union same रह गया, S रह गया. Okay? तो होता क्या है, इसमें मैंने एक छोटी चीज बच्चों को बोलता हूँ कि यहाँ पहले एक चीज लेके आओ, टोटल। टोटल का मीनिंग क्या होता है, टोटल का मीनिंग होता है यूनियन। यूनियन वैसे होता क्या है, विदाउट रेपिटेशन होता है, मैं बोल रहा हूँ यूनियन विद रेपिटेशन, मीन्स रेपिटेशन ले लो, रेपिटेशन आप काउंट नहीं करते, अब मैं कहता हूँ कि जितनी बार चीज है उतनी बार लो, यूनियन विद रेपिटेशन, हम एक नई चीज डिफाइन कर रहे हैं, यूनियन विद रेपिटेशन, उसको मैंने बोल दिया टोटल। तो टोटल ए आईज में, टोटल ए आईज में, सॉरी पी आईज में, टोटल पी आईज में कितने एलिमेंट्स होंगे, सभी में 30 सेट्स है, सभी में 5-5 है, तो टोटल पी आईज में 5 into 30 150 एलिमेंट्स होंगे टोटल पी आईज में विद रेपिटेशन, विद रेपिटेशन। हमने अगर रेपिटेशन नहीं लेते तो एलिमेंट कम हो जाते हैं, बिकॉज अगर जो चीज़ दो बार आती है उसको हम एक बार लेते हैं, पर यहाँ पर जितनी बार चीज आएगी हम उतनी बार ही काउंट करेंगे। सिमिलरली टोटल, टोटल क्याउजेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल क्याउजेस में सभी में कितने हैं, 3-3 एलिमेंट्स है, एन सेट्स है, सभी में 3-3 है, तो टोटल कितने हो गए, 3n। टोटल पी आईज में इतने हुए, टोटल क्याउजेस में इतने हुए। अब जो यूनियन होता है, एस मीन्स यूनियन है, यूनियन में चीजें कम हो जाती है, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन हम उसमें नहीं लेते, तो उसमें अगर वन वन दो बार आया तो वन को एक बार लेंगे, वन अगर 10 times भी आया तो उसको एक बार ही लेंगे, तो यूनियन में चीजें कम हो जाती है। लेट यूनियन हैज एम एलिमेंट्स, लेट यूनियन हैज एम एलिमेंट्स, लेट यूनियन हैज एम एलिमेंट्स, बट हुआ क्या, यूनियन में अगर एम एलिमेंट्स है पर वो क्या कहता है, ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू 10 ओ आईज, यहाँ पर जो एक बार होगा वो एक्चुअली 10 पी आईज में था, जो एलिमेंट यहाँ एक बार आया वो एक्चुअली 10 बार था, जो एलिमेंट यहाँ 10 पी में था, जो एलिमेंट यहाँ पर एक बार आया वो 9 क्याउ में था, एक एलिमेंट एक्चुअली 10 बार था। सिमिलरली यहाँ का एक एलिमेंट 9 क्याउ में था, मींस कि एक एलिमेंट 10 बार था, 10 पी आई में था, एक एलिमेंट 10 क्याउ जेस में था, और एक एलिमेंट 10 बार था तो एम एलिमेंट्स यहाँ कितनी बार बन जाएंगे पी आईज में, एक एलिमेंट 10 बार था तो एम एलिमेंट कितनी बार हो गए, 10 है, इस बात को समझो, एक एलिमेंट 10 पी आईज में था तो एम एलिमेंट्स कितने हो गए, 10 एम हो गए, एक 10 के इक्वल है तो एम एलिमेंट 10 एम के इक्वल है, यहां से एम की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू क्या आ गई, 15। सिमिलरली ईच एलिमेंट एस बिलोंग्स टू 9 ओ क्याउ जेस, एक एलिमेंट 9 क्याउ में है और एक एलिमेंट 9 क्याउ टाइम क्याउ में है, 9 बार है, एक एलिमेंट अगर 9 टाइम्स है तो एम एलिमेंट कितनी बार हो गए, 9 एम। ओके एक एलिमेंट 9 टाइम्स है तो एम एलिमेंट्स कितनी बार हुए, 9 एम, यहाँ से एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एम की वैल्यू कितनी है, 15 है,
एम की वैल्यू को पुट कर दिया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 45। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बस ये माइंड में छोटा सा पार्ट चीज करनी थी कि आपको टोटल टोटल करना था। तो टोटल आपने देखा 150 है, टोटल वहाँ देखा कितना था, टोटल वहाँ पर आपके पास 3n था। तो m जो है, जो यूनियन है वो विदाउट रिपीटेशन होता है, उसके एलिमेंट्स को m आपने काउंट कर लिया कि m एलिमेंट्स है। तो एक एलिमेंट 10 ai's में है, तो m एलिमेंट कितनी बार हुआ, 10m टाइम हुए। एक एलिमेंट 9 क्यूज़ में है, तो m एलिमेंट कितनी बार हुआ, 9m हुए। तो दोनों को इक्वल कर दिया, वहाँ भी इक्वल कर दिया, mn की वैल्यू आ गई। ओके, तो क्वेश्चन ईजी था, बट पहली बार बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अगेन बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड डेट 40% बाई ए, 20% बाई बी, 10% सी, 5% ए एंड बी, 3% बी एंड सी, 4% ए एंड सी, 2% ऑल। बस सिंपल सा, इसको वेन डायग्राम से करो या इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फार्मूले से भी कर सकते हो। ओके, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फार्मूले से भी कर लो। यूनियन का फार्मूला क्या, 3 का यूनियन का फार्मूला है एन ए प्लस एन बी। आप देख सकते हो सभी को यूनियन का फार्मूला पता है। 3 का यूनियन का फार्मूला क्या होता है, एन ए पर एन बी पर एन सी माइनस 2 का इंटरसेक्शन प्लस 3 का इंटरसेक्शन, है ना। ओके, एन ए कितना गिवन है, वो सब कुछ गिवन हमें, एन ए कितना गिवन है 40%, एन बी 20%, एन सी 10%। हमें एन ए भी गिवन है, एन बी भी गिवन है, एन सी भी गिवन है, 5% ए एंड बी। हमें 2 का इंटरसेक्शन, ए एंड बी का इंटरसेक्शन गिवन है, बी एंड सी का इंटरसेक्शन गिवन है, ए एंड सी का इंटरसेक्शन गिवन है, तीनों का इंटरसेक्शन गिवन है, सब कुछ यहाँ पर पुट कर दो। तो कहने का मीनिंग है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आपको ए में कितना है 40% है, बी में कितना है 20% है, सी में कितना है 10% है, ए एंड बी में कितना है, ए एंड बी में 5% है, बी एंड सी में कितना है 3% है, और ए एंड सी में कितना है 4% है। ओके, और क्या दिया हुआ है, तीनों का कॉमन कितना है, तीनों का जो कॉमन है वो कितना है, वो हमारे पास है 2% है। सारी इंफॉर्मेशन इस फार्मूले में डाल दी, यूनियन के फार्मूले में। ओके, ये तीनों का यूनियन का फार्मूला है, वहाँ इंफॉर्मेशन डाल दो तो आपका आंसर आ गया, यूनियन आ गया 60%। यूनियन कितना आ गया, 60% आ गया। पर हमें क्या चाहिए, हमें नाइदर चाहिए, वो डोंट बाय एनी ऑफ दी न्यूज़पेपर, हमें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। टोटल जो है 100% होता है, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, यूनियन 60% है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया 40%, है ना। ओके, तो मुझे लगता है चीज़ें बतानी जूत नहीं होती, तीनों का यूनियन आपने निकाल लिया, तो यूनियन जो है 60% है तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया 40%। तो 40% किसका, 10,000 का, 10,000 का 40% कितना होता है 4,000। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, फार्मूले से निकाल के 60% आया, यूनियन 60% आया, तो कम आपका यूनियन नाइदर चाहिए, आपको क्या विच डोंट बाय एनी ऑफ दी न्यूज़पेपर चाहिए। तो 60% का कॉम्प्लीमेंट 40% हो गया, किसका 40%, टोटल फैमिलीज का 40%, और 10,000 कितना हो गया 4,000। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 तो है ही कुछ नहीं है, बट मैंने क्या देखा है, बच्चे मेरे पास आते हैं सर इसका ये क्या लिखा हुआ है, बच्चे नोटेशन में फंस जाते हैं। डिग्री ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन पी एंड क्यू। तो आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी क्रॉस क्यू में, पी क्रॉस क्यू इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, आप क्या बोलोगे, एन पी इंटू एन क्यू। बस कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिग्री मीन्स कितने एलिमेंट्स है, डिग्री मीन्स उसमें कितने एलिमेंट्स है, एन पी इंटू एन क्यू। एन पी को हम क्या लिखते हैं, कई बार एन पी को क्या लिखते हैं, मोड बी। एन क्यू को क्या लिखते हैं, मोड क्यू, मोड पी मोड क्यू भी एन पी एन क्यू होता है। ओके, इसको मोड बोलो या एन पी बोलो, एक ही बात है, नोटेशन है। एन पी का मीनिंग नंबर एलिमेंट्स ऑफ पी, मोड पी का मीनिंग भी नंबर एलिमेंट्स ऑफ पी, तो एक ही बात है, मोड पी इंटू मोड क्यू। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट जो है, स्टार का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, या स्टार का मीनिंग यहाँ क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई। तो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। तो कुछ नहीं था, जीरो लेवल का क्वेश्चन था। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको कहा था ना कि सेम टाइप आने वाली है। इन एग्जामिनेशन 60% कैंडिडेट पास इन फिजिक्स, 75% मैथमेटिक्स, एक्स परसेंट पास इन बोथ, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। अब हो सके तो विदिन 2 सेकंड, विदिन 5 सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी वाले, तो आपको चाहिए पास इन बोथ। तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बताया था मैंने आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू डैट प्लस डैट माइनस 100। डैट मीन 60 प्लस 75, अगर वो शॉर्टकट आपको याद है, 60 प्लस 75 माइनस 100,
लेसर इक्वल टू दोनों में छोटे वाला, छोटे वाला कौन सा है 60, देखो ये आंसर है कि नहीं है। ये हो गया कितना हो गया 135 माइनस 135 हो गया, तो x जो है दैट लाई बिटवीन 35 to 60, देखो चॉइस है वो 35 to 60, आपकी 35 to 60 है डी चॉइस, तो आंसर इज डी चॉइस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो पीछे कर चुके हैं, 35 to 60 डी चॉइस। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन अगर कर चुके हो तो आपकी थ्योरी पार्ट बन गया था, अभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेट ए किया 1 2 3 है, सेट बी ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर्म ए टू बी, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन की डेफिनेशन फॉर्म ए टू बी क्या होती है, रिलेशन की डेफिनेशन फॉर्म ए टू बी कि आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन मीन्स ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन क्या होता है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो आपको दिया जा रहा है, चॉइसिस दी जा रही है, क्या ए क्रॉस बी के सबसेट है कि नहीं है, क्या ए क्रॉस बी के सबसेट है, अगर ए क्रॉस बी का सबसेट देखने है तो जो एक्स एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स कौन से होते हैं एक्स कॉमा वाई होते हैं, एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमेशा एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, जो एक्स एलिमेंट्स होने चाहिए वो ए में होने चाहिए, जो वाई एलिमेंट होने चाहिए वो बी में होने चाहिए, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो 1 2 ये देखो एक्स एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 3 यस 1 2 3 येगा इसी में ये, या वाई एलिमेंट कौन से हैं 5 6 4 4 5 6 वो ए रे, मींस की फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट जो है वो रिलेशन है बिकॉज ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, यहाँ पे जो एक्स एलिमेंट है वो ए में है, जो वाई एलिमेंट है वो बी में है, तो डेफिनेटली ये जो सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का, आप देख सकते हो ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहाँ क्या हुआ 1 6 बिल्कुल ठीक है, 1 भी है 3 भी है, 5 यहाँ नहीं दिख रहा आपको, 5 यहाँ कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ए में, अगर 5 ए में नहीं दिख रहा तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं हुआ आपका, सेकेंड इज नॉट अ रिलेशन। सिमिलरली यहाँ 4 आ गया शुरू में, अब 4 आ गया, 4 तो आपका ए में नहीं है, अगेन दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज नॉट अ रिलेशन, और बी क्रॉस है तो वैसे भी ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ रिलेशन, तो आंसर इज ओनली फर्स्ट चॉइस। ओके रिलेशन मीन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके ये भी इजी क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन एलिमेंट सेट, सभी को पता है 2n, सी चॉइस 2n, अब सेट ए में और सेट में एन एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं 2n, वो कहने की जरूरत नहीं है, तो ये तो जीरो लेवल का क्वेश्चन हो गया। सेट हैविंग ओनली वन सबसेट, कौन सा सेट है जिसका एक ही सबसेट है, फाई हैज ओनली वन सबसेट, कौन सा फाई का एक ही सबसेट है फाई, तो ओनली वन सेट विच हैज ओनली सेट हैविंग ओनली वन सबसेट कौन सा ओनली फाई, तो इसका आंसर क्या होगा फाई, यहाँ कहीं ऊपर चलेगा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, ये रहा, तो एम्प्टी सेट इज ओनली सेट विच हैज ओनली वन सबसेट फाई, तो आंसर क्या होगा ए चॉइस, दिस इज हैज ओनली वन सबसेट फाई, फाई का सबसेट क्या होता है ओनली फाई। ओके फाई सबसेट ऑफ फाई और कोई सबसेट नहीं होता उसका, सो ये भी हो गया। 16 क्वेश्चन भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो वही वैसे ही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, बताओ क्या होना चाहिए, जब ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, सी वापस ए के अंदर आ गया, तो डेफिनेटली दीज थ्री आर इक्वल सेट्स ना, ए बी का पार्ट है, बी सी का पार्ट है, सी ए वापस ए का पार्ट है, वो कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है तीनों सेट्स इक्वल हों, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होंगे देन दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो चॉइसेस क्या है, ऐसी तीनों इक्वल वाली चॉइस तो कोई भी नहीं है, बट बी इज इक्वल टू सी चॉइस है, तो आंसर इज फर्स्ट चॉइस, वेरी सिंपल। ओके ओके ऐसे क्वेश्चन बिना पेन चलाए होने वाले हैं, मैं कुछ लिख नहीं रहा, ऐसे होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वो तो आपको पता है कि ये हमारा रिजल्ट होता है कि दिस इज अ रिलेशन, ये क्या नोट, नोट का मीनिंग कंपोजिशन, ये नोट का मीनिंग हर बच्चे को पता होना चाहिए, कंपोजिशन, थोड़ा सा बड़ा नोट लगा दिया हमने, पर वो आपको पता होना चाहिए, इसका इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है रिवर्स ऑर्डर, आई इन्वर्स कंपोजिशन एस इन्वर्स, रिलेशन में कंपोजिशन इसको क्या बोलते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन का इन्वर्स क्या होता है रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, आई इन्वर्स कंपोजिशन एस इन्वर्स, तो कौन सी चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है आंसर, फर्स्ट चॉइस, रिजल्ट बेस्ड है सब कुछ, सबको रिजल्ट बेस्ड चल रहा है, कुछ नहीं मैं कर रहा, रिजल्ट बेस्ड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन ही होगा, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं तो कहता हूँ स्कूल के बच्चे को भी शर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन को देख के, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन में पहले दोनों का इंटरसेक्शन देखा, 2 4 2 4 2 4 आ गया, 2 4 का इससे इंटरसेक्शन देखा ओनली 4 आ गया, आंसर इज 4। ओके पहले ए बी का इंटरसेक्शन 2 and 4, फिर 2 and 4 का उसके साथ इंटरसेक्शन ओनली 4, आंसर इज 4, कुछ नहीं आपको देखना,
10 भी नहीं चलाना. ओके आंसर इज ओनली 4. ओके नाउ हो गया ना, आप देख सकते हो गया. मुझे लगता है यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 20 मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेवल 1 लेवल 2 में आया था शायद. क्वेश्चन लेवल 1 में आया था, वही सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया. तो वैसे तो करवाने की जरूरत नहीं मुझे. एक्स जो है वो ऐसा है, वाई ऐसा है. तो मैंने इस क्वेश्चन को लेवल 1 में भी किया था कि आप एन क्या नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर एन डाल दो, 1 एन डाल दो. तो एक्स की वैल्यू पहले केस में क्या बनेगी, एन को 1 डाला 0, एन को 2 डाला 16 माइनस 7 9, एन को 3 डाला 64 माइनस 10 54, ऐसे एक्स आ गया. सिमिलरली वाई क्या आ गया, एन को 1 डाला वो 9 का टेबल है, एन को 1 डाला 0, एन को 2 डाला 9, एन को 3 डाला 18, वो 9 का ही आंसर आ गया. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. एक्स इज इक्वल टू दिस मच, वाई इज इक्वल डैट. तो हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए. एक्स जो है वो क्या है, अब एन को 1 डालो क्या आएगा 0, एन को 2 पुट करो 16 माइनस 10 9, एन को 3 पुट करो 64 माइनस 10 54. सेम क्वेश्चन कर चुके हैं लेवल 1 में, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. y हमारे पास क्या है, एन को 1 डाला 0, एन को 2 डाला 9, एन को 3 डाला 18, लाइक दैट. जो y है और टेबल वो 9 आ रहा है, और ये आपका 9 के टेबल का पार्ट आ रहा है. 0 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है, 54 यहाँ पर आएगा, यस आएगा. एन को जब 7 डालोंगे, एन को जब यहाँ पर 7 डालोंगे तो एन 9 × 6 हो जाएगा, वहाँ पर भी 54 आएगा. यहाँ पर भी 54 है, यहाँ पर भी 54 आएगा. 0 भी यहाँ है, 9 भी यहाँ है, 54 क्यों आएगा, बिकॉज 9 का टेबल है, 9 के टेबल में 54 तो होता ही है. वो टेबल का, वो 9 के टेबल का पार्ट है, ये 9 का पूरा टेबल है. सो एक्स इज सबसेट ऑफ वाई. सो अगर एक्स वाई का सबसेट है, उसने क्या मांगा आपसे, यूनियन मांगा, यूनियन. तो दोनों का यूनियन क्या होगा, वाई. सिंपल. ओके तो एक्स यूनियन वाई क्या हो गया, वाई. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन निकला. तो 20th क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन था, पहले एनआईटी में हमने, एनआईटी में आया था, अब एक आईआईटी में है, हम देख रहे हैं ऐसे कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है. तो स्टूडेंट्स लेवल 2 हमारा फिनिश होता है. लेवल 2 में 3-4 क्वेश्चन थे जिनका लेवल सच में अच्छा था, अच्छा मीन्स गुड लेवल था. बाकी क्वेश्चन तो कुछ ऐसे थे जिसमें मैंने पेन भी नहीं चलाया, बट आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. ओके तो सारे क्वेश्चन करने के बाद लेवल 1 लेवल 2 हमारी फिनिश होती है, और लेवल 3 में जाएंगे. लेवल 3 में क्वेश्चन थोड़े से अच्छे और हो जाएंगे. तो पहले इन सभी लेवल्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, थ्योरी असाइनमेंट्स लेवल्स जो वर्कशीट असाइनमेंट्स, वर्कशीट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ करने के बाद आपकी प्रिपरेशन कम्प्लीट हो जाती है. अब हम लेवल 3 स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.